हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम उन फेमस पर्सनालिटीज के निकनेम्स के बारे में जानेंगे जिनसे उन्हें जाना जाता है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक उपाधि थी जो उन्हें दी गई है। कुछ फेमस पर्सनालिटीज को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है या फिर देश के लोगों द्वारा उन्हें वो उपाधि दी जाती है, तो उसके बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिस्ट ऑफ फेमस पर्सनालिटीज एंड देयर निकनेम्स। भारत में कुछ ऐसी महान पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में या फिर फिल्म जगत में, सिंगिंग में, पॉलिटिक्स में बहुत नाम हासिल किया है। अब यहाँ पर उनका बहुत बड़ा नाम रहा है तो लोगों ने भी उन्हें काफ़ी पसंद किया है, इसीलिए लोग उन्हें कई नामों से भी बुलाया करते हैं। वही नाम आगे चलकर बहुत फेमस हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए, उन फेमस पर्सनालिटीज़ के लिए वही नाम उनकी उपाधि बन जाती है और उनके निकनेम्स बन जाते हैं जिनसे वो जाने जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा उनका एक निकनेम था बापू, उन्हें इस नाम से भी जाना जाता था। महात्मा गांधी इज नोन बाय द निकनेम बापू एंड ऑल्सो रेवर्ड एज द फादर ऑफ नेशन। उन्हें फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता था। द फेमस पर्सनैलिटीज इन इंडिया आर एड्रेस्ड विद सर्टेन नेम्स बाय द पीपल आउट ऑफ लव और ड्यू टू अचीवमेंट्स दे हैव अर्नड। यानी कि भारत की कुछ ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज जिन्हें लोग कुछ अन्य नाम से भी पुकारते हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो भी लोगों से प्यार और अचीवमेंट हासिल किए हैं उसकी वजह से उन्हें लोग जानते हैं। जैसे कि आचार्य विनोबा भावे को आचार्य नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि बहुत ही एंशियंट पीरियड के फेमस कवि हैं, उन्हें आदि कवि नाम से जाना जाता है। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु नाम से जाना जाता है। जैनुल अब्दीन अकबर ऑफ कश्मीर इन्हें कहा गया है। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी, सी एन अन्नादुरई को अन्ना नाम से जाना जाता है। जगजीवन राम को बापू जी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बादशाह खान और फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, अब्दुल गफर खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। बापू नाम से मोहनदास करमचंद्र गांधी को जाना गया है। बंगाल केसरी कौन थे, आशुतोष मुखर्जी। बंगाल टाइगर बिपिन चंद्र पाल और सौरभ गांगुली को भी यहाँ पर बंगाल टाइगर का नाम दिया गया था। बिहार केसरी की बात करें तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार विभूति डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह। बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर भी एक फेमस पोइट रहे हैं, उन्हें विश्व कवि कवि के नाम से जाना गया है, उन्हें इसकी उपाधि दी गई थी। बुद्ध सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध की उपाधि दी गई थी। सी राजगोपालाचारी चाचा नेहरू किसे कहा गया है, जवाहरलाल नेहरू को। दीन बंधु सी एफ एंड्रयूज।
देश बंधु किसे कहा गया है? सीआर दास को। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया है। इसके अलावा देश बंधु चितरंजन दास को कहा गया है। देश प्रिय यतिंद्र मोहन सेन गुप्ता को, फादर ऑफ गुजरात रविशंकर महाराज को कहा गया है। फादर ऑफ नेशन यानी कि फादर ऑफ नेशन इंडिया मोहनदास करमचंद्र गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा गया है, जिनका अभी कुछ समय पहले कोविड के चलते निधन भी हो गया था। इनकी बायोग्राफी के बारे में हमने हमारी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से इन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई थी। गांधी जी तो मोहनदास करमचंद्र गांधी थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा गया था। ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन फिल्म्स धुंधुराज गोविंद फाल्के, इन्हें दादा साहेब फाल्के कहा गया है। दादा साहेब फाल्के जो है उन्हें इंडियन सिनेमा जगत का ग्रैंड फादर कहा जाता है। तो उनका पूरा नाम है दादा साहेब फाल्के का धुंधुराज गोविंद फाल्के। गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। गुरुजी की उपाधि एम एस गोलवरकर को दी गई थी। हरियाणा ह्यूरिकेन, कपिल देव को हरियाणा ह्यूरिकेन कहा गया था। हॉकी विजार्ड, अब हॉकी विजार्ड कह लीजिए या फिर हॉकी के जादूगर कह लीजिए, ये मेजर ध्यानचंद्र को उपाधि दी गई थी। ये एक हॉकी प्लेयर थे। इंडियन मचिवेली चाणक्य को कहा गया है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया, आयरन लेडी ऑफ इंडिया को, इंडिया की उपाधि इंदिरा गांधी को दी गई थी। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेपी जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर को जननायक की उपाधि दी गई थी। कवि गुरु या फिर गुरुदेव, दोनों ही रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है क्योंकि अपनी पोइट्री के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थे। इनकी एक फेमस बुक थी गीतांजलि। किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री सैयद बंधु कुवेंपू केवी पुटापा, लाल बाल पाल, ये तो सभी को पता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेटिस्ट जब एरा आया था मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट वाला, तब यहाँ पर लाल बाल पाल वर्ड का यूज किया गया था। लाइट ऑफ एशिया कहा गया है श्री बुद्ध को। लॉयन ऑफ कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। लॉयन ऑफ मराठा बाल गंगाधर तिलक। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा गया है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। मचिवली ऑफ इंडिया चाणक्य को दी गई थी उपाधि। मैजिशियन ऑफ हॉकी, अब देखिए विजार्ड ऑफ हॉकी कह लीजिए, मैजिशियन ऑफ हॉकी कह लीजिए या फिर हॉकी के जादूगर कह लीजिए, ये मेजर ध्यानचंद्र को ही उपाधि मिली है। महामना, महामना मदन मोहन मालवीय। मैन ऑफ पीस लाल बहादुर शास्त्री। मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रिनायंस राजा राम मोहन रॉय को कहा गया था। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहा गया था। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी। नाइटेंगल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहा गया था। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। प्योली एक्सप्रेस कहा गया है पीटी उषा को, ये एथलीट हैं। प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरभ गांगुली। प्रियदर्शनी भी इंदिरा गांधी को कहा गया है। इसके अलावा राजश्री पुरुषोत्तम दास टंटन। शहीद आजम भगत सिंह को कहा गया है क्योंकि इन्हें फांसी दे दी गई थी तो ये शहीद हुए थे। संत ऑफ साबरमती मोहनदास करमचंद्र गांधी। संत ऑफ ब्यूटर्स मदर टेरेसा को कहा गया है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास को कहा गया है क्योंकि कालिदास बहुत ही पुराने समय में फेमस कवि रहे हैं। कालिदास की बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं
जिससे वो महान कवि कहलाए, जैसे कि राज तरंगिनी, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमवर्षियम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी कालिदास की रचनाएं थी। और जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर यहाँ पर फॉरेन पोइट थे, तो इसीलिए इन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास को कहा गया। शेर ए कश्मीर शेख अब्दुल्ला को कहा गया है। स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को, स्वर कोकिला, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहा गया है। हाल ही में इनका भी निधन हो गया है, इन्हें भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ताऊ चौधरी देवीलाल को कहा गया है। द लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर को भी कहा गया है। टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर की उपाधि दी गई थी। तोते हिंद, तोतीय हिंद जो है ये अमीर खुसरो को कहा गया था। अमीर खुसरो भी एक फेमस पोइट थे, इन्हें पैरेट ऑफ इंडिया कहा गया था। पैरेट ऑफ इंडिया तोतीय हिंद। उड़नपरी, उड़नपरी भी पीटी उषा को उड़नपरी की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा यंग टर्क, यंग टर्क की उपाधि दी गई थी चंद्रशेखर। तो ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज थी और ये उनके निकनेम्स यानी कि जिनसे उन्हें देश की जनता के द्वारा बुलाया जाता था। तो ये नेम से वो फेमस हो गए थे। जैसे कि अगर हम मेजर ध्यानचंद की बात करते हैं तो वो हॉकी के लिए फेमस थे, उन्हें विजार्ड ऑफ हॉकी कहा गया था, मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा गया था, यानी हॉकी के जादूगर। तो वो अपनी हॉकी की प्लेइंग की वजह से इतना ज्यादा जाने गए। तो इसी तरीके से उन पर्सनालिटीज को कुछ नेम्स दिए गए जिनसे वो फेमस हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। अगर आप किसी भी एजुकेशनल टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू।